जय मसीह की सबको, मेरा नाम पास्टर रॉबिन सी, मैं परमेश्वर का दास आप सबके सामने आज जो वचन लेके आया हूँ वो पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। बहुत बार पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, जहाँ उनमें प्यार नहीं होता, जहाँ शैतान उनके बीच में काम करता है, जहाँ उनकी आशीषों को चुराता है, जहाँ उनके झगड़ा करवाता है। इसलिए मैं बताने आया हूँ आज के पति और पत्नी का रिश्ता क्या है। परमेश्वर ने इन्हें छोड़ा है क्योंकि बाइबल कहती जिन्हें मैं जोड़ देता हूँ उन्हें कोई अलग ना करे। परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, लेकिन हमें परमेश्वर का डर रखना है, भय रखना है। चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, दोनों एक दूसरे का डर रखें और एक दूसरे को बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपना रिश्ता निभाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि शैतान को अगर जगह ना दे, क्योंकि बाइबल में लिखा शैतान को जगह ना दो। शैतान को अगर 1% भी जगह मिलती है तो आपके रिश्ते में वो कार्य करता है। मैं एक दिन किसी खुदा के दास के पास गया, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, उन्होंने स्टोरी सुनाई। मैं वचन शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे से एक घर लिया और वो सब पेपर वर्क हो गया, और लेकिन जो बेचने वाला था उसने बोला पूरा घर तेरा है लेकिन ये किल्ली एक जो है वो मेरी है। तो उसने बोला चल इतना बड़ा घर है ये सब तो मेरा है, किल्ली का ये क्या करेगा, तो ये किल्ली मेरी है। तो अभी क्या हुआ, जब पैसे उसने दे दिए, रिटर्न में हो गया सब कुछ, लेकिन रिटर्न में रजिस्ट्री में पेपर में लिखा गया कि ये किल्ली जो है वो मेरी है, जो जिसने बेचने वाले की है। तो जब उसने ले लिया तो दूसरे तीसरे दिन वो आया, उसमें गंदे कपड़े टांग कर चला गया। अभी जिसने लिया, सेकंड ऑनर ने लिया जिसने, अभी उसको स्मेल आ रही है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। फिर वो अगले दिन आया, फिर वो कुछ गंदा टांग कर उस पर चला गया। उसने बोला कि देख भाई ये अच्छी बात नहीं है, तू इस पर ये गंदा कपड़ा टांग कर चला जाता है या कुछ भी गंदी गंदी चीजें डालकर चला जाता है। तो उसने बोला भाई लिखा हुआ है कि ये किल्ली मेरी है। इसका मतलब है कि अगर एक किल्ली का स्थान भी हम शैतान को देंगे, चाहे वो अपने रिश्ते के बीच में हो, चाहे हमारे घर के बीच में हो, चाहे हमारे माँ बाप के रिश्ते के बीच में हो, चाहे भाइयों के रिश्ते के बीच में हो, चाहे भाई बहन के रिश्ते के बीच में हो, शैतान कार्य करेगा। उसको 1% जगह मिल जाए ना तो वो काम करता है। तो आपके रिश्ते में वो ऐसा काम करता है, वो रिश्ते तोड़ देता है, क्योंकि बाइबल कहती प्रेम ही परमेश्वर है। जब तक हमारे अंदर प्रेम रहेगा शैतान को जगह नहीं मिलेगी, वो स्थान परमेश्वर का हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप एक किल्ली सी जगह भी ना दो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये स्त्री को परमेश्वर ने क्यों बनाया। ये मैं आपके सामने रीड करूंगा, उत्पत्ति उसका 2, उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 18, उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 18 आयत में क्या लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाए। परमेश्वर ने क्या सोचा, आदम अकेला रहता है, इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊं, मददगार बनाऊं, इसका डिवाइन हेल्पर बनाऊं। तो इसलिए परमेश्वर ने जो है वो नारी को बनाया। तो क्या लिखा इसके 22 में क्या लिखा, सॉरी 21 में क्या लिखा, तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा,
क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्या लिखा कि परमेश्वर ने आदम को नींद, भारी नींद में सोला दिया। जैसे कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो पहले उसकी बॉडी को सोला देता है, उसको बेहोश करता है या कुछ भी ऐसे। तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने, उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया, उसकी पसली को आदम की एक पसली को निकाल दिया, उसमें से नारी बना दी। तो आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मांस में से मांस है। तो आप कभी भी किसी साइंटिस्ट से पूछें या डॉक्टर से पूछें, जो जेंट्स हैं उनकी एक पसली कम होती है और लेडीज की एक ज्यादा होती है। तो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये हमारा मांस है और हमारी हड्डियों में से हड्डी है। तो हम क्या करते हैं, जब हम शादी करते हैं तो बड़े वादे करते हैं, उससे पहले फोन पे भी वादे करते हैं, मैं तेरे को ये दुख नहीं आने दूंगा, परेशानी नहीं आने दूंगा, ये ऐसे नहीं होने दूंगा। लेकिन आफ्टर मैरिज क्या होता है, धीरे 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 हमारा रिश्ता डाउन में जाना शुरू होता है। कभी कभी तो हम हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, उसकी हड्डी निकाल कर नारी को बनाया। तो इसका मतलब हम अपनी हड्डी को मार रहे हैं, हम अपने ही मांस को मार रहे हैं, हम अपनी देह को मार रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, ये रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा हुआ है, ये रिश्ते में परमेश्वर वास करते हैं। तो आप इस रिश्ते को ऐसे जिए कि शैतान को जगह ना मिले। हाँ, बाइबल कहती है गुस्सा तो कर पर पाप ना कर। हमें गुस्सा अगर होता है तो बस वो गुस्सा 5-7 मिनट का या 10 मिनट का या 1 घंटे का होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत टाइमों का हो जाना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके फर्क पड़ जाता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप कभी भी आप एक दूसरे से उच्च नीवी आवाज में बोला गया हो तो थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे को खुश करें, मनाने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा, और इसलिए इंसान को नर के लिए नारी को दिया कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। क्योंकि आज ऐसा रिश्ता है, आज ये रिश्ता ही ऐसा है, औरत ऐसी है, इसीलिए परमेश्वर ने बनाया कि आदमी किसी भी हालात में हो, जो बात आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, आपके फ्रेंड को नहीं बता सकते, वो आप अपनी वाइफ को बता सकते हो। और वाइफ भी जो बात किसी को साथ शेयर नहीं कर सकती, वो आपके साथ शेयर कर सकती है। लेकिन हमें टाइम देना है। कई बार क्या होता है कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, किसी भी काम में हम अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते। जब टाइम नहीं दे पाते, कोई भी चीज है उसके लिए टाइम चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता है जो टाइम चाहता है एक दूसरे के साथ। देखो, दुनियावी काम अपनी जगह है, वो भी जरूरी है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ टाइम देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर इस रिश्ते को जोड़ते हैं कहां जो शैतान को जगह ना मिल सके। तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी आपके मन मिटाव हो, आपके साथ कुछ भी ऐसा हो, तो आप ना करें, शैतान को जगह ना दें, उसको जीतने ना दें। आप अपनी पत्नी से प्यार करें। मैं आपके साथ पढ़ूंगा इफिसियों उसका 5 उसका 22 से, इफिसियों उसका 5 उसकी 22 से क्या लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या कहता है परमेश्वर, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। ऐसे नहीं कि जब पति आया आते ही बस उसके पैर छूने, ऐसा कुछ नहीं। उसको जब वो काम से आते हैं उनको ठंडा पानी पिलाओ, प्यार से बात करो, ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस प्यार देना है। इंसान का जो प्यार है सामने वाला इंसान समझ जाता है, दिखावे को भी समझ जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहेंगी, अधीन कैसे के मतलब आपको किसी ने भी कुछ भी बोल दिया आपके पति के बारे में, तो आपको पहले अपने पति के साथ बात करनी है, ऐसा ऐसा मुझे किसी ने बोला है। जब क्या होता है, लेडीज जेंट्स जब काम पर गया होता है तो क्या होता है, औरत के पास दूसरी औरत आती है और वो बोलती है तेरा पति तो ऐसा है, तेरा पति तो
बाहर फोन पे बात करता है या ऐसे ऐसे काम करता है। तो पत्नियां क्या होती हैं, पत्नियां जब वो बंदा घर में आता है पानी का गिलास नहीं देती, गाली देती है सबसे पहले, तो फिर रिश्ता कैसे रहेगा, रिश्ता मजबूत नहीं होगा। आपको एक दूसरे के अधीन रहना है। और वो क्या है, पत्नी अपने पति के साथ कोई भी बात शेयर कर सकती है, लेकिन प्यार से पहले उसको बिठाओ, बात पूछो। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके हस्बैंड वाइफ को रिश्ते को अलग करना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स में नहीं देखना चाहते। इसलिए मेरे अजीजों मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर को ज़रूर लेकर आएं। अगर परमेश्वर आपके बीच होगा तो शैतान को जगह नहीं मिलेगी। तो लिखा कि पत्नियां अधीन हो जाएं जैसे प्रभु के, जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। क्योंकि जो पति है वो पत्नी का सिर है। कई बार पत्नी कुछ गलत काम कर देती है तो वो सर झुक जाता है, लेकिन मैंने कई बार स्कूल में लिखा हुआ पढ़ा कि औरत को सर का ताज समझो, पैर का जूता नहीं। औरत को हमने पैर का जूता नहीं समझना, हमने भी औरत को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं। यह नहीं कि खाली पत्नियां हमारे अधीन रहें, हम एक दबका मारें, थोड़ी सी डांट मारें, बस वो चट से भाग कर जाए। जब हमारी बारी आए तो हम उसे टाइम ना दें, हम उसको जो चाहिए वो चीज ला कर ना दें, तो परमेश्वर इससे भी खुश नहीं होते। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, इसमें 25 में क्या लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से, परमेश्वर हमें सीधा बोल रहा है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता प्राय औरत के साथ रिलेशन को बनाना, प्राय औरत के साथ हम गलत काम में जाएं, उसके साथ बिस्तर पे जाएं, ऐसा परमेश्वर कभी पसंद नहीं करेंगे। और औरत के साथ भी और मर्द के साथ भी, ना तो पत्नी को परमेश्वर इजाजत देता है ना पत्नी को इजाजत देता है। इसलिए जब हम ये सब चीजों को छोड़कर पवित्रता में होंगे तो हम ब्लेसिंग्स में होंगे, आपके पास दान वरदान होंगे और दुनिया की हर जरूरत आपके फेवर में होगी यीशु के नाम से। तो क्या कहता है वो, हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर ने कलीसिया से प्यार किया तो अपने आप को उसके लिए दे दिया। ऐसा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्यार पति पत्नी के रिश्ते में हमारे बीच में होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कभी भी शैतान को जगह नहीं मिलेगी। और मैं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट में 33 में क्या लिखा, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। देखो लिखा है कि पति अपनी पत्नी के साथ प्रेम रखे जैसा अपनी बॉडी को प्यार करता है। कई बार होता है कुछ लोगों को जिम जाना और ये एक्सरसाइज करना बड़ा पसंद होता है ताकि उनकी बॉडी स्ट्रांग रहे और पावरफुल रहे और कोई बीमारी उसके पास ना। जैसा इंसान अपनी बॉडी को प्यार करता वैसा ही अपनी पत्नी के साथ प्यार करना है। और लिखा कि जैसा इंसान आदम को भी बोला गया, पति को भी बोला गया है, पति पत्नी भी उसका भय माने और पति भी उसको प्यार करे पत्नी को, पत्नी भी अपने पति का भय माने, डर रखे कि मेरा हस्बैंड है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मेरे अजीजों बहुत जरूरी है परमेश्वर का आपके रिश्ते में होना। अगर परमेश्वर आपके रिश्ते में नहीं होंगे तो आपका रिश्ता सक्सेस नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा जो है वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। मैं बोल रहा हूँ पहला पत्रस उसकी 3:7 में क्या लिखा, वैसे ही हे पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल छात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। देखो अगर हमारे बीच में प्यार नहीं होगा, हम पति पत्नी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, अगर पत्नी अपने पति का भय नहीं मानेगी तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी
होते हुए भी बाहर रिलेशन रखते हैं, परमेश्वर पसंद नहीं करता। अपना पति होते हुए भी बाहर रिलेशन रखती हैं, ऐसी पत्नियों को ना पतियों को परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर साफ कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, और मैं बोल रहा हूँ आपका जगह नर्क में होगा। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो अपनी ही वाइफ से प्यार करो, और उसका उसको हर चीज वो जो उसको चाहिए हर वस्तु उसको मुहैया करके दो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा, फिर मैं वचन को क्लोज करूँगा। उसका क्या हुआ कि एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करता हूँ। किसी इंसान ने 3 मंजिल तक अपना घर लिया, उसके 3 फ्लोर थे। उसने कहा 3rd वाला फ्लोर परमेश्वर तेरा, 1st, 2nd मेरा। तो क्या हुआ, शैतान आया और उसने आकर जब 2nd फ्लोर पे सो रहा था वो बंदा, उसको चांटा लगाया, तो वो भाग कर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ये क्या, मेरे को कोई चांटा मार के गया आपके घर में होते हुए? परमेश्वर ने कहा ये 3rd फ्लोर मेरा है, 1st और 2nd तेरा है, मेरा कोई गारंटी नहीं है, ये 3rd पर कुछ नहीं हो सकता। तो उसने क्या कहा, उसने कहा चल 2nd भी तेरा। तो उसने अभी परमेश्वर का 2nd और 3rd हो गया, लेकिन वो 1st में आ गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही शैतान फिर आया उसको उसने मारा, और फिर वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर बोला 2nd, 3rd मेरा है, 1 पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। तो उसने बोला परमेश्वर अब 1 भी तेरा, 2 भी तेरा, 3 भी तेरा और मैं भी तेरा। जब उसने ये बोला, नेक्स्ट टाइम जब शैतान आया, परमेश्वर ने उसके चांटा लगाया, उसको भगा दिया। मैं बोल रहा हूँ कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं परमेश्वर ये तेरा है बाकी सब मेरा है। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मेरी वाइफ का रिश्ता भी तेरी ओर से है, हमारा रिश्ता भी तेरी ओर से, मेरे बच्चे भी तेरी ओर से, मेरा घर भी तेरी ओर से, और सब कुछ परमेश्वर तेरा है। और देखो जैसे अय्यूब ने बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने क्यों दिया, क्योंकि उसी का है सब कुछ, उसी का इख्तियार। क्योंकि वचन क्या कहता है, आसमान उसका सिंहासन है और जमीन उसके पैर रखने की चौकसी है, इसके बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें बचाने जाना है। मैं बोल रहा हूं ये दुनिया की चीजें भी तब भी मिलेंगी जब हम परमेश्वर के साथ अधीन होंगे। तो इसलिए आपके रिश्ते में परमेश्वर होने चाहिए, शैतान कभी भी कार्य नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं आप समझ चुके होंगे सब बातों को, सब वचन को। मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ छोटी सी। प्रभु यीशु नासरी, पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया। प्रभु जी सचमुच तेरा वचन कहता है जिन्हें मैं जोड़ देता हूँ उन्हें कोई अलग ना करे। पवित्र आत्मा तो अपनी सामर्थ दे और मसा दे, अपना अभिषेक दे हमारे रिश्तों के बीच में। जो लोग ये वीडियोस को देखें जिनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार है पिता, जब पिता शैतान इनके बीच में होकर हस्बैंड को या वाइफ को धोखा दिलवा रहा हो, मैं आज बांधता हूं गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु, इनके बीच में तेरे एंजल्स जाएं प्रभु, आप इनके बीच में विराजमान हो जाएं, इनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आ जाएं, इनके माँ बेटे के रिश्ते में आ जाएं, इनके बाप बेटे के रिश्ते में आ जाएं, और प्रभु इनके घर में तू ही हो पिता, शैतान को जगह ना देने पाए। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु, नई आशीषों को देखें, अपने घर बसते हुए देखें प्रभु। अगर कोई पिता ऐसा जन है जो तलाक लेना चाहता है प्रभु, जब वो इस वचन को सुने ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम से, और वो पिता डाइवोर्स नहीं होगा जो शैतान की ओर से है, मैं कैंसिल करता हूं उसको प्रभु। तेरी सामर्थ इस वचनों के द्वारा निकले और जो सुने ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको। परमेश्वर आप सबके साथ है। जय मसीह की।